नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम वैदिक चिकित्सा में और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, हमारा आज का ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा खास है, खास से भी ज़्यादा खास है, क्योंकि आज आपके फेवरेट टॉपिक पर बात होने वाली है। भाई, खूबसूरती, हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, हर कोई चाहता है कि हमारी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, हम बहुत सुंदर लगे, हम अगर किसी के सामने जाए तो हमें हमारी तारीफ़ों के पुल बांधे कि आप कितने अच्छे लग रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, आपकी स्किन कितनी अच्छी है, आपके बाल कितने अच्छे हैं। और इन चीज़ों के लिए, ये तारीफ़ें बटोरने के लिए, ये फैक्ट है, आप खुद मानेंगे कि आप घर में मेहनत भी बहुत करते हैं, कभी कोई फेस पैक लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी पार्लर में जा रहे हैं, कभी कुछ, तमाम चीज़ें। लेकिन यहाँ पर बात मेन सबसे ज़्यादा ये है कि आपको इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही क्या है, जबकि आपके घर में ही इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको खूबसूरत बनाकर रख सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, खूबसूरत रहने का जो राज है, कैसे आप खूबसूरत बन सकते हैं, कैसे आप खूबसूरत रह सकते हैं, कैसे आप अपनी खूबसूरती को मेंटेन कर रख सकते हैं, ये आज आपको पता चलेगा यहाँ इस कार्यक्रम में। तो आइए शुरुआत कार्यक्रम की करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान अभिषेक जी का। स्वागत है आपका अभिषेक जी कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार अभिषेक जी, हम विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक हैं, काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अमित सिन्हा हैं हमारे साथ लखनऊ से। स्वागत है आपका अमित जी कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार मैम। सवाल कीजिए आप अपना, क्या सवाल है? मैम, मुझे ना डायबिटीज है 4-5 साल से जी, और मुझे ना पथरी भी है, तो डॉक्टर को दिखाया मैंने कहीं, लेकिन डॉक्टर बोलते ऑपरेशन होगा। मैं पथरी का ऑपरेशन। हाँ जी। तो कितने एमएम की पथरी है आपको? 8 एमएम की है। 8 एमएम की पथरी बता रखी है जी। जी। अच्छा। और जो टॉयलेट होती है ना, वो भी रुक रुक के होती है, तो बड़ी मतलब जलन होती है। और डायबिटीज कितने सालों से है? डायबिटीज तो 4-5 साल से है, तो डायबिटीज का। अच्छा। तो खैर ले रहे हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ इतनी है, लेकिन कुछ सही कंट्रोल रहती है शुगर आपकी जो है? नहीं, कंट्रोल जैसे रहती है, लेकिन कभी कभी हो जाती है ऊपर नीचे। हाँ, कभी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखो शुगर तो आपकी ठीक कर देंगे। जो रही बात 8 mm की पथरी की, वो भी जड़ से बिल्कुल बिल्कुल मेल्ट होके निकल जाएगी धीरे धीरे, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, 8 mm की पथरी है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी पथरी नहीं होती। लोग डरा देते हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं कि 8 mm की पथरी नहीं होगी, पता नहीं कौन सा चट्टान हो गया। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, 8 mm की पथरी धीरे धीरे निकल जाएगी। ठीक है, और जो रही डायबिटीज़ की बात, 6 महीने का कोर्स चलेगा। ठीक है, पूरा 6 महीने का कोर्स करेंगे, उसके साथ जो घरेलू उपचार लिखे हुए आते हैं वो करेंगे, सुबह सुबह पार्क में जाकर थोड़ा सा दौड़ भाग करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो शुगर भी आपकी बिल्कुल क्योर हो जाएगी। ठीक है, और 8 mm की पथरी की तो चिंता मत करो, वो तो आराम से निकल जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 8 mm कोई बड़ी पथरी नहीं होती, छोटी सी बाल जितनी पथरी होती है। ठीक है, निकल जाएगी वो। चलिए, अब निश्चिंत हो जाइए और अपनी जो पूरी परेशानी है वो वैदिक चिकित्सा संस्थान पर छोड़ दीजिए, और कार्यक्रम के बाद संस्थान में संपर्क साध लीजिएगा और बात कर लीजिएगा, और स्पेशली कह दीजिएगा अभिषेक जी से स्टूडियो में हमारी बातचीत हुई है, और उसके बाद आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, फॉलो कीजिए जो जो आपको बातें कही जाती हैं उनको, और साथ में जो डायबिटीज़ की किट है और पथरी के लिए जो आपको किट दी जाएगी, इनका प्रॉपरली सेवन कीजिएगा, आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। अब बारी आती है हमारे विषय की। डेफिनेटली आप बहुत एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि कैसे आप अपनी खूबसूरती को मेंटेन रख सकते हैं, कैसे आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। तो आइए बिना देर के जानने का प्रयास करते हैं। अभिषेक जी, हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन बहुत फ्लॉलेस हो, ग्लोइंग हो, हेल्दी हो, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, पिंपल्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, टैनिंग हो जाती है, तो कभी अलग अलग तरह के छोटे छोटे दाने, कभी काले मुहासे से होते हैं, कभी एक अलग तरीके के स्पॉट्स, प्रॉब्लम्स तमाम रहती हैं। रीज़न क्या है और कैसे इन प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं, जानना चाहूँगी जी। देखिए, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि स्किन रिलेटेड इश्यूज जो लोगों को होते हैं वो इसका एक मुख्य कारण है। मैं ज़्यादातर ये देखता हूँ कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग इतनी ज़्यादा लोग करते हैं, एक तो बाहरी जो फॉरेन कंपनीज होती हैं उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इतनी हाई होती है कि आप कहीं ना कहीं इंप्रेस होकर वो प्रोडक्ट खरीद ही लेते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो तरह तरह के प्रोडक्ट्स वो आपको बेचने की कोशिश करते हैं, डे क्रीम अलग, नाइट क्रीम अलग, सनस्क्रीन अलग, SPF 15, SPF 24 अलग, तो इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स जब आप यूज़ करते हैं और इतना इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप पार्लर में भी जाते हैं तो वो पार्लर वाले आपको फेशियल वगैरह बता देते हैं 400-500 रुपए का आराम से, और फिर पता नहीं क्या क्या ब्लीच वगैरह पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, और फिर अजीब अजीब वो प्रोडक्ट्स आपके मुँह पर पूरा थूप देते हैं, और फिर वो इतने ज़्यादा नुकसान करते हैं क्योंकि वो पोर्स में घुस जाते हैं।
ये जो ये बाहरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, ये चीज़ फ़ायदा नहीं करती किसी भी तरीके से आपकी स्किन को। देखो आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव होती है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। आप जब बाहर भी जाते हैं तो आप पॉल्यूशन में निकलते हैं, तो उससे भी स्किन कितनी ज़्यादा डैमेज होती है, काली पड़ती है, उससे काले धब्बे पड़ जाते हैं स्किन पे। तो पॉल्यूशन में जब भी आप बाहर जाएं, नॉर्मल एयर के कांटेक्ट में जाएं, तो एक तो अपने चेहरे को ढक के रखा करिए, है ना। दूसरी बात, अगर आप कॉस्मेटिक नहीं यूज़ करना चाहते तो आप घरेलू उपचार यूज़ करिए, क्योंकि कॉस्मेटिक यूज़ करने में कुछ नहीं फ़ायदा, बिल्कुल वो नुकसान करते हैं बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को। तो इनको यूज़ करना छोड़ दीजिए जल्दी से जल्दी, और घरेलू उपचार की तरफ, जो नानी जी के नुस्खे हुआ करते थे पहले के टाइम में, वो थोड़े से कहीं से नेट पे सर्च करके या कहीं बुक्स में से पढ़ के, नहीं तो हमारी संस्था तो है ही बैठी काम करने लग रही है सदा आपके लिए। और हम बनाते इस तरीके की दवाइयाँ, जैसे कि हमारा ब्यूटी ऑयल आता है, आप नानी जी के नुस्खे अपना लीजिए या हमारा ब्यूटी का ऑयल अपना लीजिए, बहुत अच्छा ऑयल बना हुआ है, बहुत अच्छा स्किन रिलेटेड इश्यूज़ में बिल्कुल एकदम कारगर सिद्ध होता है, ठीक है ना। जितने भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पिगमेंटेशन हो गई, काले घेरे हो गए, रिंकल हो गई, झाइयाँ हो गई, ब्लैक पैचेस, डार्क स्पॉट्स वगैरह, जैसे कुछ भी स्किन पे प्रॉब्लम हो गई ना, फेस पे हो गई, हाथों पे, जैसे हाथ की स्किन लटकने लगती है, लूज सी हो जाती है, प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, तो ऐसी कोई भी दिक्कत हो जाती है अगर स्किन पे, तो जो हमने ऑयल बनाया है वो ऑयल इतना बढ़िया काम करता है कि आप खुद देखेंगे अगर एक बार आप यूज़ करेंगे तो, कि उसका कितना बढ़िया इफेक्ट पड़ता है स्किन पे, और एकदम स्किन ग्लो करने लगती है आपकी, एकदम चमक आ जाती है चेहरे में, क्योंकि वो हमने बनाया ही इस तरीके से। हमने इतने सालों पहले जाके शोध करी कि भैया जंगलों में जाके थोड़ी जड़ी बूटियाँ लाए, कहीं हिमालयों के पहाड़ों पे जाके जड़ी बूटियाँ लाए, जिस तरीके से स्किन के लिए स्पेशलिस्ट जड़ी बूटियाँ, कि हमने कितनी किताबें पढ़ी, हमने कितने शोध किए, हमने जंगलों में जा जाके ढूंढा, हमने जंगलों में जा जाके आदिवासी लोग जो होते थे उनसे बातचीत की, उनसे उनके सेहत का राज पूछा, क्योंकि भैया वो तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करने जाते नहीं थे जो जंगलों में रहते हैं, और जो ना वो दवाइयाँ लेने जाते थे, वो पेड़ पौधे से ही अच्छे खासे फ्रूट तोड़ते थे बिल्कुल नेचुरल जड़ से, ना वो पॉल्यूशन में रहते ना कुछ करते, तो उनकी सेहत का राज, वो एकदम लंबे ठाडे एकदम, तो उनकी सेहत का राज क्या, हमने जाके सबसे बात करी और फिर हमने अपनी दवाइयाँ बनानी शुरू करी कि किस तरीके से दवाई बनी जाए जिससे कि लोगों को खुशी मिले। क्योंकि देखो, सुंदर दिखना, अच्छा दिखना, प्रेजेंटेबल दिखना आजकल हर किसी का ज़माने में एक जन्मसिद्ध अधिकार है आपका, ठीक है ना। आपको प्रेजेंटेबल दिखना ही पड़ेगा आज के ज़माने में, ठीक है। अगर आप ऑफिस भी जाते हैं, अगर आप मीटिंग भी करते हैं, तो आपको प्रेजेंटेबल दिखना है, हर किसी के सामने दिखना है। और वैसे भी प्रेजेंटेबल दिखने की बात नहीं है, अच्छा दिखना तो मतलब खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से बात भी करते हैं तो आपको एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आप एक चेहरे पे खुशी रख के बात करेंगे जब आपका सब कुछ सही दिख रहा होगा। अगर देखो आप ऐसे गंदे संदे कपड़े पहन के कहीं जाओगे तो आप खुद ही एकदम हिचके खिचके रहोगे कि यार अच्छा नहीं लग रहा, कोई लोग मेरे पे देख रहे हैं, लोग मेरे को ये देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, तो खुद का ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता जब आप अच्छे नहीं दिखते। तो यही सब चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप ठीक दिखें, आप प्रेजेंटेबल रहें, और अच्छा दिखना आप ही का अधिकार है, और हर किसी को अच्छा दिखना है। देखो लेडीज़ तो जो होती हैं, मेरी बहनें होती हैं, जो उनको तो मैं खास तौर पे बताना चाहूँगा कि ये ऑयल जो है आपकी चेहरे की जितनी भी तमाम दिक्कतें होती है, ठीक है ना, आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, ठीक कर देता है बिल्कुल जड़ से सारी दिक्कतों को। मुश्किल से 2 महीने यूज़ करना है, कईयों को 1 महीने यूज़ में बहुत अच्छा इफेक्ट मिल जाता है, और कईयों को 2 महीने यूज़ में एकदम जितने भी चेहरे की दिक्कतें होती है वो ठीक हो जाती है बिल्कुल भी। बिल्कुल दर्शकों, आप अगर ये ब्यूटी ऑयल संस्थान से प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, और जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था, खूबसूरती का राज आज हम आपको बताएंगे। राज सबसे बड़ा यही है कि जितना आप अपना ख्याल रखेंगे उतना आप खूबसूरत दिखेंगे, उतनी आपकी स्किन अच्छी होगी, उतने आपके बाल अच्छे होंगे। आपको जंक फूड इग्नोर करना होगा, घर की बनी चीज़ें, घर का हेल्दी फूड खाइए। जो घरेलू उपचार होते हैं, घरेलू दादी नानी के नुस्खे हुआ करते थे कि नींबू चेहरे पे लगा लो, दूध को मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ कर लो, मलाई को मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ कर लो, आप संतरे का छिलका रगड़ लो फेस पे, या तमाम इस तरीके के छोटे छोटे जो नुस्खे हुआ करते थे, इनको आप इस्तेमाल में लेकर आइए। जितना आप इन चीज़ों को इस्तेमाल में लेकर आएंगे उतनी आपकी स्किन अच्छी होगी, और जितना आप केमिकल युक्त चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो घरेलू नुस्खे हैं उनकी बात ही अलग है। आप एक बार कर देखिए,
ज़्यादा हमारी बातें मत सुनिए, ज़्यादा हमारी बातें मत समझिए, बस हमारे कहने पर एक बार कर देखिए। आप एक हफ़्ता लगातार अपनी वो क्रीम प्रोडक्ट्स वगैरह इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, और एक हफ़्ता लगातार जो घरेलू नुस्खे होते हैं, जो नानी के नुस्खे हुआ करते थे, यानी नींबू चेहरे पर लगा लो, टमाटर लगा लो, आलू लगा लो, तमाम इस तरीके के छोटे छोटे नुस्खे हुआ करते थे, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग वो नुस्खे अपनाइए। आपकी स्किन ऑयली है, सेंसिटिव है, ड्राई है, नॉर्मल है, या कैसी भी स्किन है, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग वो नुस्खे अपनाइए एक हफ़्ता लगातार। फिर आप दोनों को कंपेयर करें, कंपेयर करने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपकी स्किन ज़्यादा खूबसूरत किस चीज़ में लग रही थी, ज़्यादा ग्लोइंग किस चीज़ में लग रही थी, और आप ज़्यादा अच्छे किस चीज़ में लग रहे थे, जब आपने घरेलू नुस्खे अपनाए तब, या जो आपने ये तमाम प्रोडक्ट्स जिन पर आप इतना पैसा पानी की तरह बहाते हैं उनको इस्तेमाल करने के बाद। और जबकि जो घरेलू नुस्खे हैं, सबसे बड़ी बात तो इसमें आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा। आप टमाटर घर में लेकर आते हैं खाना बनाने के लिए, उसी टमाटर को चेहरे पर आपको लगाना है, नींबू घर में लेकर आते हैं बाकी कामों के लिए उसी नींबू को लगाना है, सब्जी आलू के बन रही है उसी आलू को चेहरे पर लगाना है, तो देखिए पैसे भी आपके बच रहे हैं, तमाम खर्चा आपका बच रहा है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। इसलिए एक बार आयुर्वेद को अपना कर देखिए, प्रकृति के करीब जाइए, जो छोटे छोटे घरेलू नुस्खे हैं इनको अपना कर देखिए, फिर देखिएगा किस प्रकार से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको निजात मिलती है। और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है भी तो उससे निजात दिलाने में हमारा ब्यूटी ऑयल आपकी पूरी मदद कर देता है, जिसे अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। तो बॉडी को हमें अच्छा रखने की ज़रूरत है, फूड पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये अपनाने की ज़रूरत है ताकि हमारी स्किन अच्छी हुए। इसी प्रकार से बालों की जब बात आती है तो कैसे हमारा जो सपना है हमारे लंबे लंबे बाल हो, लड़कियाँ हैं तो उन्हें शौक है लंबे लंबे घने बाल हो, हेल्दी हेयर्स हो और बहुत अच्छे हों, लड़के हैं उन्हें चाहिए हम तरह तरह के हेयर स्टाइल्स रख रहे हैं तो हमारे बहुत अच्छे स्मूथ हेयर्स होने चाहिए, हमारे घने बाल होने चाहिए, हमारा मोटा बाल होना चाहिए। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बात दोनों के लिए बराबर है, उन्हें अच्छे बाल चाहिए, लेकिन कैसे? कैसे का सिंपल आंसर है, आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, आपकी सेहत जो अंदर से सेहत अच्छी है वो बाहर रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन बाहर ही आपको दिखती है। और बालों का जहाँ तक बात है, बाल सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी पेट की खराबी ज़्यादा रहती है तो आपके बाल कभी अच्छे नहीं रहेंगे, मुझसे लिखवा लो। तो पेट को संभालना, पेट से संबंधित रोगों को संभालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, साफ सीधी बात है। और ये देखो कि अपने अंदर शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं उनको भी मिटाओ। देखो संस्थान ने जो आयुर्वेदिक किट बनाई है हेयर पैक की, वो इतनी बढ़िया बनाई है कि एक तो हम खाने की दवाई उसमें ज़्यादा बेचते हैं, हम शैम्पू और ऑयल जो बेचते हैं वो भी एकदम जड़ी बूटियों से बना हुआ है, बिल्कुल हर्बल टाइप का शैम्पू होता है, उसमें कोई केमिकल, कोई सोडियम वगैरह कुछ भी नहीं होता जो आपके शरीर को या बालों का नुकसान करे, ठीक है ना। और जो खाने की दवाई हम बेचते हैं, एक तो वो खाने की दवाई जब आप लेना शुरू करते हो तो उससे एक तो आपके शरीर में जब कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी जैसी कोई भी दिक्कत होती है वो तो वैसे ही ठीक हो जाती है खुद ब खुद आपका बाल, क्योंकि हम मानते हैं कि बाल तभी ठीक होंगे जब आपका शरीर में अंदर से एकदम आप रोगमुक्त होगे, पेट आपका साफ रहेगा और एकदम मतलब मक्खन मलाई की तरह आपका पेट साफ हो जा करेगा सुबह सुबह, गैस एसिडिटी आपको नहीं रहेगी। तो वो दवाई जब आप लोगे तब गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत तो आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी, साथ ही साथ आपके बाल जो है वो लंबे और घने होंगे और जो आप खुद देखेंगे उसका डिफरेंस। बिल्कुल दर्शकों, डिफरेंस आपको खुद ब खुद दिखेगा, हमें ज़्यादा कुछ यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले आपको हेयर किट जो संस्थान ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई है उसमें रीठा, शिखाकारी और तमाम ऐसी औषधियाँ हैं जो आपके बालों को सुंदर बनाती हैं, घना बनाती हैं, लंबा बनाती हैं, हेल्दी बनाती हैं, लेकिन इसे आपको पहले संस्थान से प्राप्त करना होगा। नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, बस नंबर्स पर कॉल कीजिए, फिर देखिएगा जब हेयर किट आपके पास पहुँच जाएगी, उसका सेवन आप करेंगे यानी कि उसको इस्तेमाल जब आप करेंगे तो क्या डिफरेंस आता है आपके बालों में। इस्तेमाल की यहाँ पर बात हो रही है अभिषेक जी, तो ये जो हेयर किट है कब कब इस्तेमाल करनी है, हफ्ते में 2 बार 3 बार रेगुलर इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्या प्रोसीजर है? देखिए खाने की जो दवाई आती है, खाने की दवाई तो आपको रोज़ाना लेनी होती है, ठीक है, और जो शैम्पू आता है आप हफ्ते में 3 दिन लगा लो, ऑयल जो आपका आता है वो आप रोज़ाना रात को लगा के सो जाओ एक बारी, ठीक है, सुबह उठ के उसको धो लो, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छी हेयर किट है। मैं इसलिए बार बार जिक्र करता हूँ क्योंकि संस्थान ने जो दवाई बनाई है वो अच्छी है एक्चुअली, ठीक है, कारगर है, बहुत सारे लोगों पे उसको सिद्ध किया गया है, तभी वो आपके लिए दी जाती है और आपको फिर बताई जाती है कि ये इस तरीके से यूज़ करनी है, क्योंकि इतने लाखों लोगों ने पहले यूज़ करी है, उनको रिजल्ट देख के, उनका रिस्पॉन्स देख के फिर ही संस्था एक मार्केट में चीज़ निकालती है, इस वजह से उसको यूज़ करके देख लो, आपको खुद ही फ़ायदा मिलेगा।
बिल्कुल दर्शकों, जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। बाकी अगर मन में कोई सवाल है या किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपको स्पेशली अभिषेक जी से ही बात करनी है तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और स्पेशली वो लोग जो किसी ना किसी रोग से ग्रसित हैं, ट्रीटमेंट के लिए उनके पास प्रॉपर पैसे नहीं होते हैं, आर्थिक रूप से तंगी का सामना कर रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, रोग से ग्रसित हैं, तो ऐसे में स्पेशली आप लोगों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए अभिषेक जी ने मंडे और ट्यूसडे ये दो दिन है, यानी सोमवार का दिन और मंगलवार का दिन, आप अभिषेक जी से उनके मालवीय नगर यानी कि दिल्ली के मालवीय नगर क्लिनिक में जाकर मुलाकात कर सकते हैं। कंसल्टेशन फीस आपसे नहीं ली जाएगी। मकसद एक है इसके पीछे कि आप सभी एक रोगमुक्त जीवन जी सके। अगर आपके पास ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर पैसे नहीं हैं तब भी आप अपना ट्रीटमेंट करा पाएं, कहीं ना कहीं से तो आपके पैसे बचेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको फ़ायदा होगा। आप एक बार संस्थान में आइए, जानकारी लीजिए, नहीं तो आप फ़ोन पे भी सारी जानकारी ले सकते हैं, नंबर्स आपके सामने हैं। बाकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे आपको जानने हैं, जैसे हमने शुरुआत में भी कहा था नानी दादी के नुस्खे, तो अगर आपको वो जानने हैं तो उसके लिए भी आप नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अभिषेक जी, मैं टिप जानना चाहूंगी आपसे आज के लिए। जी, अगर देखिए आपको अपनी स्किन अच्छी रखनी है, अपने बाल अच्छे रखने हैं, ठीक है, एक तो बाहर का जंक फूड सीधा सीधा खत्म कर दो, ठीक है। दूसरी बात, रोजाना सुबह उठ के अगर एक बार सूर्य नमस्कार की क्रिया कर लेते हो, क्योंकि सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप होते हैं वो एकदम पूरे शरीर में जिस तरीके से काम करते हैं, पूरे शरीर को एक तरह से हिला के रख देते हैं। फिर सूर्य नमस्कार की क्रिया करने के बाद कोई व्यायाम की एक्चुअली ज़रूरत नहीं बचती, ठीक है ना। सूर्य नमस्कार कर लिया करो सुबह सुबह, बहुत अच्छा रहेगा। और दर्शकों, टिप तो ये आपके लिए हो गई। जाते जाते एक बार फिर से आपको कहना चाहेंगे, खूबसूरत दिखना सब किसी का अधिकार होता है, हर किसी का अधिकार है खूबसूरत दिखना, लेकिन इसके लिए आप जितना हो सके अगर घर की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपकी टैनिंग है, टैनिंग को रिमूव करने के लिए आप घर की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। आप अपनी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करेंगे आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। रही बात हमारे ब्यूटी ऑयल की या फिर हेयर किट की, तो वो इसीलिए खासतौर पर संस्थान ने आपके लिए प्रिपेयर किया है काफ़ी शोध के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद, ताकि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप खुद इतनी मेहनत करें और अपने लिए हेयर पैक्स तैयार करें या स्किन के लिए स्किन पैक्स तैयार करें, फेस पैक्स तैयार करें, तो आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और संस्थान ने जो ब्यूटी ऑयल आपके लिए प्रिपेयर किया है, इस ब्यूटी ऑयल को अपनी स्किन पर लगाएं नियमित तौर पे और फिर देखें किस प्रकार से आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है, हेल्दी स्किन हो जाती है। जो पिगमेंटेशन, पिंपल्स, दाग धब्बे, झाइयाँ, ये जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं, इनसे आपको निजात मिलेगी और ठीक इसी तरह से आपके बाल भी बहुत हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और अच्छे होंगे। लेकिन इसके लिए जो उपाय आपको बताए गए हैं, जो उपाय साथ में आपको अपनाने होंगे और हेयर किट संस्थान से प्राप्त करनी होगी। नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। बाकी आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए या फिर अपॉइंटमेंट लेनी है तो उसके लिए भी आपको इन्हीं नंबर्स पर कॉल करना होगा। अभिषेक जी, समय आपने हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बेहतर समाज की उम्मीद में धन्यवाद। अगर आप ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, थायराइड, सर्वाइकल, माइग्रेन, सफेद पानी, गठिया, मोटापा, कब्ज, जोड़ों का दर्द और बवासीर जैसी समस्याओं से परेशान हैं, तो इसके समाधान हेतु तुरंत संपर्क करें 0920-538-3941, 0920-538-3942, 0920-538-3943, 0920-538-3944। हमारा पता है 166 खिड़की, ऑपोजिट साईं बाबा मंदिर, नियर सिलेक्ट सिटी वॉल्क मॉल, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली। फॉर अ करियर विद वैदिक चिकित्सा, मेल योर रिज्यूमे टू वैदिक चिकित्सा @gmail.com।